सत श्री अकाल दोस्तों, मैं वैद्य करणवीर सिंह फ्रॉम चंडीगढ़ आयुर्वेद सेंटर। आज का जो विषय है, मैं मानता बहुत घर से ही प्रॉब्लम कॉमनली बढ़ रही है। आपां जब भी सवेरे उठते हाँ, कई बार आपां नूं महसूस होंदा है कि अपने जिहड़े हाथ पैर हैं वो नम है, सुन है, या असी कई बार ये भी महसूस करते हाँ कुछ टाइम लई साडे हत्थां ते या पैरां ते सोजा महसूस करते हैं, स्वेलिंग या वाटर रिटेंशन जिन्होंने आप कहने हाँ, वो चीज़ आपां फील होंदी है। पर जिवें ही आप अपनी रूटीन शुरू करते हाँ, कुछ मिनटों के बाद वो स्वेलिंग बिल्कुल घट के नॉर्मल हो जाती है। तो दोस्तों, ये प्रॉब्लम जिहड़ी है ये साडे नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम है, तो बहुत लोगों को शायद ये समझ भी नहीं आता क्योंकि इस चीज़ को बड़ा लाइटली लेंदे ने। यही प्रॉब्लम जाके कल कई वड्डे रोगों का एक बुलावा है, क्योंकि नर्वस सिस्टम या साड़ी ब्लड सर्कुलेशन नू जब वो प्रॉपरली नहीं साड़ी बॉडी विच फ्लो करता तो आपां नू ये सिम्टम्स पैदा होंदे ने। सानू ये सिम्टम्स तो बाद ये समझन दी लोड़ है कि सानू कुछ ना कुछ बॉडी च इहजी घाट है, चाहे वह विटामिन डी की घाट है, चाहे B12 की घाट है, या इस तो अलावा कई बार साड़े नर्वस सिस्टम प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता, जिस करके आपां नू ये सिम्टम्स पैदा होंदे ने। आयुर्वेद दे विच बहुत ही सिंपल तरीके नाल इहदा इलाज किया जा सकता है। तुसी सब ने अश्वगंधा नू जरूर सुनिया है, शिलाजीत सुनी है, ये कुछ इह जिहियां हर्ब्स हैं, इह जिहियां औषधियां ने जिन्हां दे हैल्प नाल थोड़ी इह समस्या दा हल आपां कर सकदे हैं। दूसरा, आपां नू घर दे विच वी जद किस व्यक्ति नू इह चीज़ां हुंदियां ने तां उहदे विच लसुन या अदरक दा जां उस तरह दी दालचीनी, ये सब चीज़ों का जरा प्रयोग है या ये सब चीज़ों आपां खाने विच बहुत अच्छे तरीके नाल लेना चाहिए है, क्योंकि साड़ी बॉडी जी जब बॉडी च बैब आती है तो ये सिम्टम्स पैदा होंगे ने। सब तो पहला सानू बॉडी नू ये पहचान के जे वो बैब आदि बॉडी है तो उहदे लई इलाज आपां तां ही कर पावांगे जे आपां नू ये समझ आए कि उस बंदे की तसीर की है। तो आयुर्वेद सानू ये सब चीज़ों का एक अच्छा जवाब दे सकता है, एक अच्छा हल दे सकता है। जे थोनू इह जा कुछ भी हो रहा है तो डेफिनेटली तुसी आयुर्वेद नू अपनाओ और एक शुरुआत च ही अपनी रोग नू या अपनी बीमारी नू समझ के इहदा इलाज करो ताकि थोनू ये बीमारी कोई वड्डा रूप ना लै सके। धन्यवाद।